गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश फर्स्ट क्लास एट में कल हम लोग पढ़ रहे थे टेम्पेस्ट तूफान, उसी के आगे आज हम फिर पढ़ेंगे। डू नॉट बी एंग्जेशियस माई चाइल्ड, हर फादर कम्फर्ट हर। उसके पिता ने उसे सांत्वना दी और कहा, मेरी पुत्री मत चिंता मत करो, नो वन इज गोइंग टू बी हार्म, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ही प्यूज्ड एंड देन वेंट ऑन, इसलिए उसने संकेत किया और आगे बढ़ा, मिलिंडा नाउ द टाइम हैज कम फॉर मी टू टेल यू एवरीथिंग, मिलिंडा अब वह समय आ गया है जब मैं आपको सब कुछ बता दूँ। 12 years ago आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलन एंड यू आर माई ओनली चाइल्ड वॉज अ प्रिंस एंड माई ओनली हायर। उसने कहा कि 12 वर्ष पहले मैं मिलन का एक ड्यूक हुआ करता था। ड्यूक को उस समय की राजा की उपाधि हुआ करती थी और तुम केवल मेरी अकेली संतान और राजकुमारी थी जो कि उसके उत्तराधिकारी थी। इवन एट दैट टाइम आई वॉज क्लीनली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ मैजिक, उस समय मैं जादू सीखने में बहुत ही विश्वास किया करता था। I spend most of my time reading the books on magic, और मैंने अधिकांश समय जादुई पुस्तकों को पढ़ने में लगा दिया। I left the management of my dukedom and gave all responsibilities of my country to my younger brother Antonio। मैंने dukedom की सारे कर्तव्य छोड़ दिए और अपने छोटे भाई एंटोनियो को सब कुछ सौंप दिया। आई ट्रस्टेड हिम बट ही टर्न्ड आउट अ फॉल्स एंड ट्रेजेरियस, मैं उस पर बहुत ही विश्वास करता था लेकिन वह बहुत झूठा और मक्कार निकला। ही पोस्टेड टू रॉब ऑफ माई ड्यूकडॉम, और उसने हमारे राज्य ड्यूकडॉम को लूटना शुरू कर दिया। He was able to do so with the help of his ally, the king of Naples। वह नेपल्स के राजाओं की सहायता से यह करने में सक्षम हुआ। इस प्रकार से ऑन द नेक्स्ट डे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। और प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 lesson तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है और इसमें क्वेश्चन आंसर, मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है और एक पार्ट का अर्थ भी आना है, तो वो सब आपको कंप्लीट करना है ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सकें। थैंक यू।